हेलो एंड वेलकम बैक टू किंग्स कॉमर जोन सो so, दोस्तों आज के सेशन में अगेन हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 411 से क्वेश्चन नंबर 430 तक हम डिस्कस करेंगे और ये जो पीडीएफ डिस्कस कर रहा हूं मैं ये पीडीएफ 900 क्वेश्चंस क्वेश्चन इसके अंदर है ये आपको मिलेगी किंग्स कॉमर जोन के ऐप पर और इसी ऐप आप पर आपको टेन टेस्ट ऑफ अकाउंटेंसी भी मिलेंगे मॉक टेस्ट हर टेस्ट में 50 क्वेश्चंस हैं कुल मिला के फाइव प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद एनालिसिस वीडियोस भी मिलेंगे और साथ ही साथ एक फुल एंड टेस्ट सीरीज भी उसी ऐप में आपको मिलेगी तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आर ट्रीटेड एज प्रिलिम एक्सपेंस को हम किस तरह से ट्रीट करते हैं एज ए फिक्स एसेट करंट एसेट इंटेंजिबल एसेट या मिसलिनियस एक्सपेंसर दोस्तों प्रीलिमिनरी एक्सपेंसिस वो होते हैं वो खर्चे जो हम किसी बिजनेस को शुरू करने से पहले करते हैं और ये हमारे फिक्टिशियस एसेट्स के अंदर आते हैं तो इनको हम बैलेंस शीट में एज ए मिसलिनियस एक्सपेंडिचर एक हेड बना के उसके अंदर इसको प्रीमियम एक्सपेंस को रखते हैं सो डी इज द राइट आंसर चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं इन केस ऑफ ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस द वर्ड डैश आर रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड देखिए अगर क्रेडिट बैलेंस ओपनिंग बैलेंस है क्रेडिट जो भी हमारा बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस अगर वो ओपनिंग है तो आप सबको पता है कि जब हम अकाउंट बनाते हैं तो क्रेडिट बैलेंस ये आपकी क्रेडिट साइड आ गई ये डेबिट साइड आ गई क्रेडिट बैलेंस तो क्रेडिट साइड में ही आएंगे और ओपनिंग बैलेंस के लिए, लिए लिखा जाता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ठीक है और क्लोजिंग बैलेंस है तो उसके लिए लिखा जाता है बैलेंस कैरिट डाउन तो जो क्लोजिंग बैलेंस होता है कैरिट डाउन उसके लिए लिखा जाता है चाहे वो डेबिट बैलेंस हो चाहे वो क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस के लिए हमेशा बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखा जाएगा सो तो आंसर रहेगा आपका ए बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन चलिए दोस्तों नेक्स्ट चीज़ विच लाइबिलिटी इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द टोटल ऑफ बैलेंस शीट इसमें से कौन सी लाइबिलिटी है जो बैलेंस शीट के टोटल में नहीं आती करंट लाइबिलिटी कॉन्टिजन लाइबिलिटी फ़िक्स लाइबिलिटी या आलाफ दबाव करंट लाइबिलिटीज़ दोस्तों आप सबको पता है वो लाइबिलिटी जो हमें एक साल के अंदर पे करनी है कॉन्डिजन लाइब्रिलिटीज़ वो होती हैं जिसका लाइबिलिटी होना या ना होना फ्यूचर पर डिपेंड करता है फिक्स लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं जिनको जिनको हमें मोर दैन वन ईयर पे करना है सो so, कौन सी लाइबिलिटी जो बैलेंस शीट में नहीं आती दैट इज क्वाटिजन लाइबिलिटी क्योंकि मैंने जैसे अभी बताया कि क्वाटिजन लाइबिलिटी वो होती है जो फ्यूचर में हमारी लाइबिलिटी बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती तो जब तक ये हमारी लाइबिलिटी नहीं बनती हम इसको बैलेंस शीट में नहीं दिखाते इसको हम फुट नोट पर दिखाते हैं बैलेंस शीट का एक फुट नोट होता है उसके अंदर इसको दिखाया जाता है चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रीटिंग ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एन एग्जाम्पल ऑफ अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखा देते हैं तो ये कौन सा एरर होगा ए कंपनसेटिंग एरर दोस्तों कंपनसेटिंग एरर मैंने आपको पहले भी बताया था कोई ऐसा एरर एरर जो दूसरे एरर की वैल्यू को कंपनसेट कर दे उसको हम कंपनसेटिंग एरर कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल वो एरर जहाँ पर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दें या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दें तो ये जो क्वेश्चन है ये इसमें जो हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर रहे हैं इस एरर को हम कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल एरर ऑफ ओमिशन का मतलब होता है किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करना और एरर ऑफ कमीशन मतलब रॉन्ग साइड पर रिकॉर्डिंग कर देना चलिए दोस्तों नेक्स्ट मूव नेक्स्ट पे मूव करते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज जस्ट लाइक ए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर किस तरह किस तरह किस तरह की होती है ऑप्शन ए बैलेंस शीट की तरह ऑप्शन बी प्रॉफिट लॉस अकाउंट की तरह ऑप्शन सी कैश अकाउंट की तरह और ऑप्शन डी ट्रेडिंग अकाउंट की तरह देखिए दोस्तों स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एक बैलेंस शीट की तरह होती है जिसमें एक तरफ हम एसेट्स रखते हैं दूसरी तरफ हम लाइबिलिटीज रखते हैं और कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं वो चाहे ओपनिंग कैपिटल हो या क्लोजिंग कैपिटल हो और ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर सिंगल एंट्री सिस्टम में यूज़ की जाती है टू फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल या फिर क्लोजिंग कैपिटल तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर किस तरह की होती है जस्ट लाइक बैलेंस शीट विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज टू अबाउट ट्रायल बैलेंस इसमें से कौन सा है जो ट्रायल बैलेंस के लिए सही है ऑप्शन ए ये कुछ नहीं है जीरो ऐसे प्रिंटिंग एर है ऑप्शन ए इट लिस्ट डाउन द बैलेंसेज ऑफ ऑल अकाउंट्स इसमें जितने भी अकाउंट्स हैं उनके जो बैलेंसेस होते हैं उनकी पूरी लिस्ट होती है बी इट लिस्ट डाउन द बैलेंसेस ऑफ बैलेंस शीट की बैलेंस शीट के जो बैलेंसेस होते हैं उनकी लिस्ट होती है सी इट इज़ ए काइंड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है और डी इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ अकाउंट साइकिल दोस्तों आप सबको पता है कि एक जो ट्रायल बैलेंस होता है इसमें जो हम लेजर्स बनाते हैं लेजर्स के जो क्लोजिंग बैलेंस होते हैं चाहे वो रियल अकाउंट का हो चाहे वो पर्सनल अकाउंट का हो चाहे वो नॉमिनल अकाउंट का हो तो सबके बैलेंस जो होते हैं इसके अंदर लिखे जाते हैं सो इट लीस्ट डाउन द लिस्ट डाउन द बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स ए इज़ द राइट आंसर चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करें परचेज़ ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट फॉर कैश विल बी रिकॉर्डेड ऑन विच ऑफ़ द फलिंग साइड ऑफ कैश बुक अगर कोई ऑफिस इक्विपमेंट हमने कैश में ख़रीदा तो कैश बुक में कहाँ रिकॉर्ड करेंगे आपको पता है कि कैश बुक की दो साइड्स होती हैं ये आपको पता है डेबिट साइड होती है ये क्रेडिट साइड होती है डेबिट साइड किसके लिए होती है रिसिप्ट के लिए ठीक है और क्रेडिट साइड किसके लिए होती है आप सबको पता है पेमेंट्स के लिए तो अगर हमने ऑफिस इक्विपमेंट परचेज़ किया तो हम इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे तो जब ऑफिस इक्विपमेंट परचेज़ करेंगे तो इसका मतलब हमने पेमेंट की है और पेमेंट कहाँ रिकॉर्ड होती है क्रेडिट uh, साइड में या फिर पेमेंट साइड में सो बी इज़ द राइट आंसर नेक्स्ट इज ए सिंपल और वन कॉलम कैश बुक यूजअली हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग मेन कॉलम एक अगर सिंगल कॉलम कैश बुक या वन कॉलम कैश बुक है उसमें यूजअली कौन सा कॉलम होता है तो आप सबको पता कि अगर सिंपल या सिंगल या वन कॉलम कैश बुक है तो उसमें कैश का कॉलम होता है चलिए जी नेक्स्ट इज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ऑल द नॉमिनल अकाउंट्स ऑफ द लेजर बुक आर जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स हैं लेजर बुक के उनको क्या किया जाता है ए बैलेंस्ड बट नॉट ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट बी नॉट बैलेंस्ड एंड आल्सो द बैलेंस इज नॉट ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट सी बैलेंस एंड द बैलेंस इज ट्रांसफर टू द बैलेंस शीट एंड डी नॉट बैलेंस एंड देयर बैलेंस इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट देखिए जो नॉमिनल अकाउंट होता है उसका जो नॉमिनल uh, अकाउंट को कभी भी बैलेंस नहीं किया जाता सबसे पहली बात जैसे हम बाकी रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट को बैलेंस करते हैं डेबिट जो साइड बड़ी उसका टोटल करके uh, जो छोटी साइड है माइनस करके हम बैलेंस निकालते हैं कभी डेबिट बैलेंस आंसर आता है कभी क्रेडिट बैलेंस आंसर आता है लेकिन नॉर्मल अकाउंट होते हैं जो फॉर एग्जांपल एक्सपेंसिव जिसमें हम एक्सपेंसिव इनकम की बात करते हैं उनको कभी बैलेंस नहीं किया जाता और उनका जो बैलेंस होता है यानी जो टोटल होता है वो सीधा हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सो आंसर इज नॉट बैलेंस्ड एंड देयर बैलेंस इज़ ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उनका बैलेंस नहीं किया जाता और बैलेंस मतलब उनका टोटल जो होगा जिस साइड का भी टोटल होगा चाहे वो डेबिट साइड का टोटल है चाहे वो क्रेडिट साइड का टोटल उस टोटल को हम सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं चलिए दोस्तों नेक्स्ट इज कॉस्ट अकाउंटिंग वाज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ दोस्तों कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ये किस लिए डेवलप्ड हुई कॉस्ट अकाउंटिंग का दोस्तों मतलब है कि जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करें उस कॉस्ट को कैलकुलेट करें उस कॉस्ट को कम करें किस तरह से हम कॉस्ट को जो हमारा बजट है उसके साथ कम मैच करें तो बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग को क्यों डेवलप किया गया बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्योंकि हम जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ते हैं उसमें हम सिर्फ बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस के बारे में बात करते हैं प्रोडक्ट पे कितनी कॉस्ट आई उस कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है कैसे उसको कम किया जा सकता है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें नहीं सिखाता तो उसी की उसी की लिमिटेशन की वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग डेवलप हुई सो ए इज़ द राइट आंसर चलिए नेक्स्ट इज एंड बी आर पार्ट इन ने फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसिस इन द रेशो टूज टू थ्री तो दो पार्टनर है शेयरिंग रेशो उनकी टूज टू थ्री है सी इज एडमिटेड फॉर वन फिफ्थ शेयर सी नया पार्टनर का शेयर वन फिफ्थ है इफ़ सी गेट इट होली फ्रॉम ए द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आफ्टर सीज एडमिशन विल बी अगर सी को ये वन फिफ्थ शेयर सारा सिर्फ ए से मिलता है तो उसके बाद शेयरिंग रेशो क्या होगी देखिए दोस्तों अगर सी को सारा शेयर ए से मिलता है तो ए का न्यू शेयर क्या होगा एज न्यू शेयर तो न्यू शेयर निकालने का फॉर्मला है ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस अगर आपने पार्टनरशिप टॉपिक पढ़ा तो आपको ये पता होगा तो ए का देखिए ओल्ड शेयर यहाँ से देखिए ए का ओल्ड शेयर कितना था टू बाय फाइव फाइव कहाँ से आया टोटल कर लिया इन दोनों को ठीक है माइनस जो सी को मिला वो किसने दिया था ए ने इसका मतलब जो सी को दिया जा रहा है वन फिफ्थ वो ए ने सेक्रीफाइस किया है तो ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस फाइव एल सीम आ गया टू में से वन माइनस कर लो वन बाय ठीक है ये न्यू शेयर आ गया ए का तो न्यू रेशो क्या बनी न्यू बनी ए का तो आ गया वन बाय फाइव बी ने कुछ नहीं दिया था तो बी का शेयर वही रहेगा पुराने वाला यानी थ्री बाय फाइव और सी को कितना मिला सी को वन फिफ्ट शेयर मिलना था सी का वन बाय फाइव तो न्यू रेशो बनी वन इज़ टू थ्री इज़ टू वन जो कि हमारा डी आंसर है चलिए दोस्तों नेक्स्ट इज वेन ओपनिंग स्टॉक गिवन इन ट्रायल बैलेंस देन इट विल इफेक्ट अगर ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो इसका इफेक्ट कहाँ आएगा आप सबको पता है कि ओपनिंग स्टॉक जो है ट्रेडिंग अकाउंट जो है उसमें आता है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में आता है तो अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर ओपनिंग स्टॉक दिया गया है तो ये ट्रेडिंग अकाउंट की ट्रेडिंग uh, अकाउंट में आएगा और कौन सी साइड में आएगा ये भी आपको पता होगा डेबिट साइड में क्योंकि जितने भी एक्सपेंसिव होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस वो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में शो किए जाते हैं चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग इज सूटेबल फॉर प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ के लिए सूटेबल है हॉस्पिटल के लिए ऑयल रिफाइनिंग फर्म्स के लिए ट्रांसपोर्ट फर्म्स के लिए ब्रिकलिंग फर्म के लिए देखो दोस्तों प्रोसेस कॉस्टिंग वहाँ पे एप्लीकेबल होती है जहाँ पर एक ही तरह का प्रोडक्ट बल्क क्वांटिटी में बनाया जाता है हॉस्पिटल में सर्विस कॉस्टिंग जो है वो यूज़ की जाती है ऑयल रिफाइनिंग फॉर्म में जो है प्रोसेस कॉस्टिंग यूज़ की जाती है ट्रांसपोर्ट फॉर्म में भी सर्विस कॉस्टिंग यूज़ की जाती है ब्रिकलिंग में यूनिट कॉस्टिंग यूज़ की जाती है सो आंसर इज़ बी नेक्स्ट सेल बुक इज पार्ट ऑफ सेल बुक किसका पार्ट है लास्ट टाइम मैंने इसका आंसर जनरल लेजर दे दिया था क्योंकि मेरे दिमाग में सेल्स अकाउंट चल रहा था सेल्स बुक है सेल बुक इज़ पार्ट ऑफ जर्नल क्यों क्योंकि जब हम सेल बुक बनाते हैं तो हमें जर्नल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती सो इट इज पार्ट ऑफ जर्नल जर्नल का ही हिस्सा होता है चलिए नेक्स्ट इज विच अकाउंट विल बी डेबिटेड इन केस लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड बाई प्रोपरेटर फ्रॉम बिजनेस कैश किस अकाउंट को डेबिट करेंगे अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है प्रोपराइटर का बिज़नेस की कैसे दिया जाता है तो अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया गया लाइफ पर्सनल है ये पर्सनल एक्सपेंस की कैटेगरी में आता है और जितने पर्सनल एक्सपेंस अगर बिजनेस के कैसे दिए गए तो हम ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे हाँ इसकी जगह अगर क्वेश्चन ये पूछा होता कि किस अकाउंट को क्रेडिट करते दैन इन दैट केस हम कैश अकाउंट को हमारा जो है डी आंसर रहता तो अभी जो क्वेश्चन है उसके लिए उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर रहेगा ए यानी ड्राॅइंग्स इट इज़ ए सिस्टम ऑफ पेइंग एडवांस इन बिगिनिंग एंड रियम्बर्सिंग द अमाउंट स्पेंड फ्राम टाइम टू टाइम टू द पेटी कैशियर वो कौन सा सिस्टम है जिसमें हम कुछ पैसा एडवांस देते हैं वो फिर टाइम टू टाइम पेटी कैशियर को रीइम्बर्स करते रहते हैं आपने पेटी टी कैश बुक कैश बुक के अंदर एक पेटी कैश बुक था वो पढ़ा था उसमें क्या है कि एक हेड कैशियर होता है जो पेटी कैशियर को सपोज़ करो हज़ार रुपये देता है पेटी एक्सपेंस करने के लिए यानी छोटे मोटे खर्च करने के लिए अब मान लो पेटी कैशियर ने सिक्स हंड्रेड इसमें से खर्चा कर दिया तो उसके पास चार सौ का बैलेंस बचेगा पेटी कैशियर के पास तो हेड कैशियर क्या करेगा हेड कैशियर जो है वापस से उसको जितना पैसा खर्च हुआ उतना पैसा और दे देगा ताकि वो हज़ार रुपये का बैलेंस मेंटेन रहे तो ऐसा सिस्टम जिसमें हेड कैशियर पेटी कैशियर को उतना पैसा दे देता है जितना उसने खर्च किया ऐसे सिस्टम को हम इम्प्रेस सिस्टम कहते हैं जो कि पेटी कैश बुक में यूज़ किया जाता है इज़ द राइट आंसर ए बिजनेस रिसीव्स इस बैंक स्टेटमेंट शोइंग द क्लोजिंग बैलेंस एज रुपीज एटी फाइव हंड्रेड ओवरड्रॉन ओवरड्रॉन का मतलब हो गया कि नेगेटिव बैलेंस है इट इज़ फाउंड एट देयर वर अनप्रेजेंटेड चेक अमाउंट रुपीज़ टू थाउजेंड उसमें यह भी पाया गया कि कुछ चेक थे जो अनप्रेजेंटेड थे यानी हमने किसी को पेमेंट कर दी थी लेकिन अभी तक जिसको पेमेंट की उसने वो चेक बैंक में नहीं लगाया था यानी बैंक बैलेंस हमारा सेम uh, रहा था उसमें कोई चेंज नहीं आई थी एंड अनक्रेडिट क्रेडिटेड डिपॉजिट और कुछ अनक्रेडिट डिपॉजिट भी थे यानी हमें किसी ने पेमेंट करी थी लेकिन हम हमारे अकाउंट में वो पैसा अभी डिपॉजिट नहीं हुआ था पंद्रह सौ का वो अमाउंट था ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कैश बुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट कितना होगा दोस्तों सबसे पहले तो आपको पता है कि एक कैश बुक का बैलेंस आपके पास होता है कैश बुक का दूसरा किसका होता है पासबुक का दो बैलेंस होंगे इसमें से एक आपको गिवन होगा दूसरा निकालना अगर आपके पास पासबुक का बैलेंस है तो आपने किसका बैलेंस दिखाना है कैशबुक का अगर आपका कैश बुक का बैलेंस है तो आपको किसका दिखाना है पासबुक का अब दिखाना कैसे है दोस्तों अभी हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हमें पासबुक का बैलेंस दिया है सिंपल आप ये याद रखो कि अगर आपको पासबुक का बैलेंस दिया है तो आपने देखना है कि कैशबुक में किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की वजह से हमारा कैश का बैलेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है अगर किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की वजह से हमारे कैश का बैलेंस बढ़ रहा है यानी प्लस हो रहा है तो हमें यहाँ पर भी प्लस कर देना है यानी पासबुक के बैलेंस में भी प्लस कर देना है और किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की वजह से हमारे कैश का बैलेंस माइनस हो रहा है तो हमें यहाँ पे भी माइनस कर देना है ये मैंने की पहले कैश बुक की बात कि किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की वजह से अगर कैश बुक के बैलेंस में जो भी चेंजेस आ रही हैं अगर हम पासबुक के बैलेंस से चल रहे हैं तो यहाँ पर जो भी चेंजेस आ रही हैं सेम चेंजेस आपने यहाँ अप्लाई कर देनी है यानी यहाँ बैलेंस प्लस हुआ यहाँ पर भी प्लस कर देंगे यहाँ माइनस हुआ यहाँ माइनस कर देंगे लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की वजह से पासबुक में चेंजेस आ रही हैं तो आपको इस केस में रिवर्स करना होगा रिवर्स का मतलब अगर किसी ट्रांजेक्शन की वजह से पासबुक का बैलेंस प्लस हुआ ठीक है पासबुक का बैलेंस प्लस हुआ तो आपको कर देना है क्या माइनस और अगर पासबुक का बैलेंस माइनस हुआ तो आपको कर देना है प्लस यानी रिवर्स करना है तो अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास जो बैलेंस था एक बार उस बैलेंस को देखने कितना था हमारे पास बैलेंस था एटी फाइव हंड्रेड का नेगेटिव बैलेंस ठीक है और दो हज़ार का अनप्रेजेंटेड चेक अब देखो इसको कैसे करना है आपको यहीं पे इसको कर लेते हैं आपके पास ओवरड्राफ्ट था एट्टी फाइव हंड्रेड का नेगेटिव बैलेंस था किसका पासबुक का ठीक है पासबुक का बैलेंस अब आपने कोई चेक इशू किया था देखिए कैश बुक में क्या हुआ आपने किसी को चेक इशू किया था अगर चेक इशू किया तो हमने कैश बुक में हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा क्योंकि हमने चेक इशू किया था वो चेक अभी प्रेजेंट नहीं हुआ तो कैश बुक हमने क्या किया जब हम किसी को चेक देते हैं तो अल्टीमेटली कैश बैलेंस हमारा 2000 कम हो जाएगा क्योंकि वो पैसा हमारे बैंक से भी निकलने वाला था लेकिन वो बैंक से निकला नहीं तो मैंने अभी कहा कि अगर आप पासबुक से शुरू कर रहे हो तो आपने कैश बुक में देखना है उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की वजह से कैश का बैलेंस बढ़ रहा है तो बढ़ा दो घट रहा है तो, घट रहा है तो घटा दो इसके इसमें घट रहा है तो मैं इसको भी घटा दूंगा यानी माइनस कर दूंगा लेकिन अल्टीमेटली ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो यहाँ हो गया दस हज़ार पाँच सौ और उसके बाद हमारे पास कोई चेक आया था अनक्रेडिट चेक पंद्रह सौ का तो अगर हमारे पास चेक आया तो सबसे पहले हमारा कैशबुक का बैलेंस हम प्लस कर देंगे लेकिन बैंक से वो चेक क्लियर नहीं हुआ तो यहाँ प्लस किया तो मुझे यहाँ पर भी प्लस करना है लेकिन ऑलरेडी क्योंकि ये माइनस में है ये माइनस में है तो करना मुझे इसको प्लस ही था लेकिन ये माइनस में है तो माइनस हो जाएगा तो कितना बचा नौ हज़ार अब देखते हैं हमारा आंसर नौ हज़ार कहाँ पर है ये रहा तो सी इज द राइट आंसर शायद इसका बुक में आंसर आंसर की में आंसर आठ हज़ार दिया गया है जो कि गलत है असली आंसर इसका नौ हज़ार है सी इज द राइट आंसर चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं ऑन डिजोल्यूशन ऑफ फॉर्म जब फॉर्म डिजॉल्व होती है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को कैसे क्लोज किया जाता है तो जो भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हैं उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है कहाँ पर बैंक अकाउंट में सी इज द राइट आंसर चलिए जी नेक्स्ट इज वेयर देर इज नो पार्टनरशिप डीड देन प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट विल बी एप्लीकेबल अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है वो एक्ट कौन सा है वो एक्ट एन नाइनटीन थर्टी टू आपको याद रखना है दोस्तों चलिए जी लास्ट द बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड फर्नीचर वाज 1500 ओल्ड फर्नीचर था जिसकी बुक वैल्यू यानी बुक में जो वैल्यू दी गई थी वो 1500 थी इसको हमने बेच दिया कितने में पाँच सौ में हमें लॉस हो गया कितना हज़ार रुपये का तो ये हमारा कौन सा लॉस है दोस्तों कोई भी फिक्स एसिड बेचने पे अगर हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो तो वो कैपिटल लॉस या फिर कैपिटल प्रॉफिट होता है तो इस केस में ये जो लॉस हुआ ये हमारा कैपिटल लॉस है तो दोस्तों ये थे आज के 20 क्वेश्चंस नेक्स्ट ट्वेंटी क्वेश्चन आपको मैं करवाऊँगा कल आज के लिए इतने दोस्तों थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच